बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजिस अकेडमी। मैं फैज अपने चैनल पे आपका फिर से वेलकम करता हूँ। बेटा, ये वीडियो क्वालिटी कुछ ख़राब हो सकती है, आपको थोड़ा स्लो दिखेगा, बट वीडियो भी ध्यान में देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है? जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में क्या देखा है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लाएँ, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपने मुद्दे पर। तो देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मार्क्स होता है, जो नंबर होता है एग्ज़ाम में, वो अच्छा नहीं होता है, या वो कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, ठीक है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, आज इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट वीडियो के आखिर तक सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का पॉइंट कि कैसे क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें बच्चों क्या क्या पॉइंट ध्यान देने हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है हमारा टारगेट, ठीक? इससे आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, टारगेट का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए कि हमें आगे सिर्फ यही काम करना है। जैसे अभी आप क्लास 12 में बायोलॉजी लिए हैं, तो आपका पहला एम होगा कि आपको नीट क्वालिफाई करके एक MBBS डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो ये आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। अब नीट क्वालिफाई करने के लिए फिर आपको मेहनत करनी है, तो ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि नहीं, हमें नीट क्वालिफाई नहीं, हमें BSc भी करनी है, नहीं मुझे कोई और कोर्स करना है, मैं ये भी कोर्स कर लूँ, वो भी कोर्स कर लूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है या उसके अलावा कुछ और बनना है, जो बनना है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करें, ठीक है? तो बिना टारगेट के कोई भी काम नहीं होता। अगर आप चाहें कि इधर भी हाथ मारे, उधर भी हाथ मारे, हर जगह कोई ना कोई कोर्स करें, तो आप किसी भी चीज़ में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। बिना टारगेट के काम नहीं होता है, ठीक है? चलिए दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिना मेहनत के आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आप चाहो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमेशा याद रखना, There is no shortcut for success. आप चाहो कि बिना मेहनत किए डॉक्टर बन जाओ, बिना मेहनत किए इंजीनियर बन जाओ, बिना मेहनत किए प्लेयर बन जाओ, बिना मेहनत किए आप एक्टर बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप चाहो कि बिना कोई शॉर्टकट तरीके से हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आपको हर हाल में मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये मान के चलिए कि 99% आपकी मेहनत होती है, कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है 99% उसकी मेहनत होती है, और 1% उसका लक उसके साथ होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसका उल्टा करते हो। आप लोग क्या करते हो, 99% लक को कहते हो, आप कहते हो 1% मेहनत कर लेते हैं तो हम पा जाए, ठीक है? और इसी चक्कर में क्या होता है, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, आप अपने टारगेट को पा नहीं पाते हैं, ठीक? आप चाहे बिना मेहनत के एक डॉक्टर बन जाएं, अच्छे डॉक्टर बन जाएं, पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सक्सेस, कभी भी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हर हाल में आपको मेहनत करके ही आगे जाना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। डीमोटिवेट का मतलब क्या, आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक बार एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उससे आप क्या होंगे, उससे आप बहुत डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि यार अब मुझसे क्वालिफाई नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको वो काम करना ही करना है, और वो काम आपसे हो जाएगा।
जब आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे तभी जा कर के अच्छा होगा। आप पहले ही सोच लें कि यार मैथ का पेपर है, मैं मैथ का पेपर में अच्छा नंबर नहीं ला पाऊँगा, तो आप नहीं ला पाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैथ का पेपर है, मैं मेहनत कर लूँ, मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ और ले आऊँगा, तो आप मेहनत करके अच्छे नंबर ले आएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। क्या सोचें? पॉजिटिव सोचें। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ठीक, अपने आप को आप कभी अपने को वीक मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए। अगर आप अपने को कमज़ोर समझेंगे तो कभी भी ताकतवर लोग के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ताकतवर से मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। वो क्यों लाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर एक भरोसा होता है कि हाँ वो ये काम कर लेंगे, वो इतनी मेहनत कर लेंगे तो उनका इतना नंबर आ जाएगा और वो अच्छा स्कोर करेंगे और लाइफ में आगे अच्छा बन सकेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ताकि हम लोग एक अच्छे इंसान बन सकें, साथ ही साथ क्या हो, हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो। नौकरी रहेगी तभी आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट रहेगी कि हाँ ये IAS ऑफिसर है, ये PCS ऑफिसर है, जो सबसे हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, या ये एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये न्यूरो सर्जन है, ये डेंटिस्ट है। ठीक, तो वो सब पाने के लिए आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाइए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए तो 100% प्रिपरेशन करिए, 100% प्रिपेयर करिए। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे आप लोग बायोलॉजी का एग्ज़ाम दो, नीट का एग्ज़ाम दोगे, तो नीट में बायोलॉजी भी आती है, फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। तो आप ऐसा मत करो कि बायोलॉजी को 100% कर लो, बायो को आप क्या कर लो 100% कर लो, केमिस्ट्री को भी आप 100% कर लो और फिजिक्स को आप सिर्फ 50% करो। ठीक है, तो ऐसा मत करो। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो 50% हो रहा है, इसकी वजह से आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी आपको 100% ही करना पड़ेगा। जब आप तीनों सब्जेक्ट में 100% करोगे तब जाकर के आपके मार्क्स 80% 90% के बीच में आएंगे, समझ रहे हैं? तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए, तो उसमें 100% प्रिपेयर करिए, अपना 100% दीजिए। ये मान के चलिए कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 में 100 नंबर लाना है। जब आप इतना सोच के चलेंगे तब कटते पिटते आपके 80 और 90 नंबर आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्कोर करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। अब देखिए, आप मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत से आप लोग, आप में से कुछ बच्चे भी ऐसे भी होंगे जो 8-8, 9-9 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका जो नंबर है वो अच्छा नहीं आता। होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 घंटा पढ़ाई करते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पास भी जो कैपेबिलिटी है वही आपके पास भी है भाई, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, उसके पास भी एक ब्रेन है, आपके पास भी एक ब्रेन है, सब कुछ एक जैसा है। उसके बाद भी वो आपसे ज़्यादा नंबर कैसे लाता है? उसके पीछे एक रीज़न होता है। हमेशा जब भी पढ़ाई करें तो एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करें। क्या करें? स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करें, स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? एक प्लानिंग करें, एक तरीका बनाएं कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कि कम टाइम में आप अच्छे से उसको समझ भी जाएं और आपके नंबर भी अच्छे आएं। ठीक है, होता क्या है, जो क्लास का टॉपर होता है, टॉपर भी आप जैसा ही होता है, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, आपका पढ़ने का तरीका अलग होता है। उस अलग तरीके की वजह से वो टॉपर क्या करता है, वो टॉपर क्लास में आगे बढ़ जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अपने पढ़ाई के तरीके को चेंज करिए, अपने अंदर चेंज लाइए। जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। ठीक है, कामयाबी तभी पाएंगे
जब आप एक सही तरीके से मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। हमेशा ये याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजी में क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप ढूंढिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, यानी कि कमज़ोर पॉइंट क्या है और स्ट्रांग पॉइंट क्या है। ठीक, कहाँ पर आपकी कमज़ोरी है, कहाँ पर आप मजबूत हैं। तो जो कमज़ोर है, कमज़ोर को देखिए, एग्ज़ाम में कमज़ोर कितना आता है, कम आता है कि ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा आता है तो इस कमज़ोर को आप मजबूत करिए, स्ट्रांग, सॉरी, इस कमज़ोर को आप क्या करिए, इस कमज़ोर पॉइंट को आप स्ट्रांग करिए। अब ये स्ट्रांग कैसे होगा, मेहनत से होगा। ठीक है, ये जो वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट कैसे होगा स्ट्रांग, मेहनत से होगा। मेहनत कैसे करें, आप इसको दोबारा से पढ़ें, फिर प्रैक्टिस सेट से लेकर के प्रैक्टिस करें। इस पॉइंट पे आप प्रैक्टिस करिए कि ये प्रैक्टिस करते करते वो आपका वीक पॉइंट भी एक मजबूत पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करिए। जब तक आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई नहीं करेंगे, आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने सब समझ लिया। सबसे पहले टारगेट सेट करिए, आपको क्या बनना है। उसके बाद आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए कि हम ये बन सकते हैं। उसके बाद आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाइए कि आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका दोस्त कह दिया, अरे यार तुम ये नहीं कर पाओगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है, दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपनी तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने गोल को, अपने जो आपका क्या कहते हैं टारगेट है, उसको पा के रहना है। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजी वाली बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में आपको चेक करना है कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक वीक है। जो टॉपिक वीक है उसको बुक से पढ़िए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करिए, तो वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है वो देख, नेक्स्ट जो है वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सुबह जल्दी उठिए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तब तो आप हमेशा कामयाब, किसी भी काम में आप हाथ लगाएंगे कामयाबी पा जाएंगे। देखिए, सुबह 5 बजे से लेकर के ये जो 12 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। आप इस टाइम में जो भी काम करेंगे वो बहुत तेज़ी से आपके दिमाग में बैठता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हम लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी बहुत होती है, हम किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं। आपको कुछ याद भी करना है ना, तो याद करने वाला काम सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और हमें कोई भी चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। देख रहे हैं कितना घंटा है, 7 घंटा है। आप अगर सुबह उठ जाते हो 5 बजे और 12 बजे तक भी पढ़ाई करते हो, तो आपके पास 7 घंटा है। इस 7 घंटे में 1 घंटा नाश्ता वगैरह का निकाल दीजिए, तो आपको 6 घंटा मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। कितना घंटा मिल रहा है, 6 घंटा मिल रहा है। इस 6 घंटे में आप जो पढ़ाई करेंगे वो 12 घंटे के बराबर होती है। तो सुबह जल्दी उठिए, टाइम का उपयोग करिए। ऐसा नहीं कि आप 5 बजे उठ गए, 7 बजे तक आप इधर उधर टाइम पास करिए, 8 बजे तक खाना खाइए, फिर 9 बजे से पढ़ने बैठिए। ऐसा नहीं, 5 बजे उठ गए, 6 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश हो लिए और फिर 6 से 12 पढ़ाई करिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपको जो सुबह सुबह याद करने वाला पोर्शन है याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो तेज़ी से आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो सुबह का टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, कहीं ना कहीं उसमें आलस लगने लगती है और उसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आप याद करने की कोशिश करोगे, जल्दी याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आलस लगेगी, नींद आएगी। इसीलिए सुबह का ये जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है वो ये है कि आप लोग जो काम करते हैं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज सेल, तो आप उसमें सेल के बारे में ही लिखो ना, आप उसमें ये लिखो ना कि सेल क्या है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ, यही है ना सेल। तो आपसे जब सेल पूछा जाए तो आप ये लिखो, ये मत लिखो कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1865 में की थी और उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उसको चेक करने के लिए की थी। वो कहानी आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर जब आपसे सेल पूछ रहा है तो आप सेल लिखिए। जब एग्जामिनर आपसे कहानी पूछे कि राइट द हाउ इज सेल डिस्कवर्ड, सेल कैसे डिस्कवर हुई, तब आप कहानी लिखोगे। तो क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन को पहचानना सीखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछे उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, ठीक है। इधर उधर आप एग्जामिनर को घुमाएंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर में आपको घुमा देगा। जो है उसको दो नंबर देने हैं वो आपको आधा नंबर ही देगा। क्यों? क्योंकि आपने मेन चीज़ नहीं लिखी, उसको घुमा दिया, इधर उधर आंसर कर दिया। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो अनसॉल्व पे वो आपका प्रैक्टिस बुक होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं सॉल्व पेपर ले लीजिए आप। ये जो सॉल्व पेपर होते हैं तो इनसे जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कैसे पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया गया है, क्या सही तरीका है आंसर देने का जिससे पूरे नंबर आ जाए। आप भी आंसर लिखते हो, टॉपर भी लिखता है, लेकिन टॉपर का आंसर ज़्यादा अच्छा होता है, आपका कम अच्छा होता है, इसी वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं और टॉपर के ज़्यादा हो जाते हैं। तो हर चीज़ की एनालिसिस करिए, ये पहचानिए कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती को पहचानिए, ठीक है, तभी जा कर के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप अगर वीक बच्चे भी हैं ना, यानी कि बहुत कमज़ोर हैं, आपको बहुत डर लग रहा है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी कुछ और बातें भी हैं, वीडियो को इसीलिए पूरा तक देखिए, चलिए हम कुछ और बातों को डिस्कस। अब देखिए जो अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो आपका है प्रॉपर डाइट। ऊपर अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें तभी सही से हो पाएंगी जब आप सही से खाना खाओगे। हमारे बॉडी के बारे में कहें तो आपने देखा है ये जो इंजन होता है, ये जो बाइक का इंजन होता है, ये इंजन क्या करता है, इसमें हम लोग फ्यूल देते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल देते हैं, ठीक है, पेट्रोल देते हैं बाइक में, ठीक। अब ये इस फ्यूल को क्या करता है, जलाता है, बर्न करता है, जलाता है, जला के क्या करता है, एनर्जी बनाता है, और इस एनर्जी से क्या होती है, बाइक मूव करती है, मानते कि नहीं। तो बाइक को मूव कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, इस तेल से मिलेगी। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में भी देखिए सेम पैटर्न होता है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है, आप मान लीजिए एक बाइक का इंजन है, ठीक, इसको हम लोग खाना देते हैं, खाना, ये खाना क्या होता है, ये खाना इसका फ्यूल होता है, ये जो फ्यूल है ये हमारे लिए क्या है, हमारा जो फ्यूल है वो खाना है। खाना क्या होगा, खाने का डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी के बाद क्या होगा, हमारी एक्टिविटी होगी, बॉडी परफॉर्म एक्टिविटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपका पूरा वीडियो देखना ही बेकार है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे उसको एनर्जी मिली तो बाइक चलने लगी। इसी तरीके से जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाने से, पौष्टिक आहार, खाना जो खाइए अच्छा खाना खाइए, जैसे नॉर्मल जो खाना खाते हैं खाइए, साथ ही साथ क्या लीजिए, एनर्जी वाला, जैसे दूध लीजिए, मिल्क, मिल्क को क्या कहा जाता है, कंप्लीट फूड कहा जाता है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए उतना एनर्जी वाला खाना होना चाहिए। तो खाने के साथ साथ ये मिल्क ज़रूर लीजिए, क्योंकि बिना इसके आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। जब प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी दिमाग आपका काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो हमारे जितने भी टारगेट हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, पा नहीं पाएंगे, ठीक।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि सारे काम करिए, सारे काम के साथ साथ अच्छा खाना लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। देखिए ये जो पॉइंट है, ये आप कमज़ोर रहोगे आपकी कमज़ोरी दूर कर देगा। इसी तरीके से अगर आपके फ्रेंड में वीकनेस रही होगी तो आपके फ्रेंड की भी वीकनेस दूर हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ मन करे शेयर करिए, ठीक। साथ ही साथ क्या करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये इतना काम कर लीजिएगा। आपको बताइए कि मेरा जो चैनल है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अब मेरा जो एम है वो क्या है, मैं चाहता हूँ बायोलॉजी में आपको 0 से 100% कर दूँ। यानी कि अगर आपकी बायोलॉजी एकदम वीक है तो एकदम वीक से एकदम स्ट्रांग कर दूँ। ऐसा कर दूँ कि कहीं भी आप जाइए, आपसे कोई बायोलॉजी पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कहीं ये ना हो कि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी या पढ़ी तो सही से नहीं पढ़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार फिर से रिविज़न कर लेते हैं हम लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना टारगेट बनाना है कि हमें आगे क्या बनना है। टारगेट बनाने के बाद हमें उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब क्या, आप किसी भी काम के लिए 100% मेहनत करिए। कितनी करिए, 100%, ताकि रिजल्ट आपका अच्छा है, ठीक। तो 100% मेहनत करिए। फिर उसके बाद क्या, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव सोचिए, हो सकता है इस बार आपका न हो पाया, लेकिन आपकी सोच बदलेगी तो अगली बार आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद चौथी चीज़ का इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एंसर लिखिए वो पॉइंट टू पॉइंट एंसर लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट एंसर लिखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सही आंसर लिखिए। सही आंसर लिखने से बहुत, सही आंसर लिखने से क्या होता है, बहुत फर्क आता है आपके नंबर पर। अब सही आंसर लिखने के लिए क्या होना चाहिए, सही आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन सही से समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन को समझने का एक ही तरीका है, क्लास में जब टीचर पढ़ाए ध्यान से समझिए। साथ ही साथ जो आपकी सॉल्ट पेपर होता है, सॉल्ट पेपर का यूज़ करके क्वेश्चन को एनालाइज करिए। सॉल्ट पेपर का यूज़ करके क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बाकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरे चैनल पे देख रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरा वीडियो देखिए। तो आज के लिए इतना ही था, कल हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।